हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इट्स माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। तो दोस्तों, यहाँ पर रेडमी उनकी नोट सीरीज के कुछ नए स्मार्टफोन्स कल यहाँ पर लॉन्च करने वाली है इंडिया में, जहां पर जो स्मार्टफोन्स होंगे वो होंगे रेडमी के नोट सीरीज के। रेडमी का नोट 9 हो सकता है, रेडमी का नोट 9 प्रो होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि होगा रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर रिव्यू करने वाला हूँ जितने भी फीचर्स आपको यहाँ पर रेडमी के नोट 9 सीरीज में देखने के लिए मिलेंगे, और सिर्फ उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर 100% कंफर्म हो चुके हैं। यहां पर अगर बात करूं इन सभी स्मार्टफोन्स की डिजाइनिंग के बारे में, तो तीनों स्मार्टफोन बताया जा रहा है आपको यहां पर एक ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग वाला जो बैक है, यानी जो बॉडी है, वो तीनों स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर इस बार जो कैमरे की पोजीशनिंग है इन सभी स्मार्टफोन्स में, वो आपको चेंज देखने के लिए मिलेगी। स्क्वायर शेप में फोन के ऊपर की साइड सेंटर में जो कैमरा होगा, क्वाड कैमरा पीछे की साइड देखने के लिए मिलेगा। और रेडमी के नोट 9 प्रो में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है जो रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स होगा उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा। अब रेडमी के नोट 9 के कैमरे के ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं है, देखते हैं आखिर में रेडमी का नोट 9 कैसा निकल करके आता है और क्या कुछ फीचर्स के साथ में ये जो स्मार्टफोन फाइनली यहां पर इंडिया में निकल करके आता है। अगर बात करूं इन सभी स्मार्टफोन के और भी डिटेल की, बात करूं फ्रंट साइड की, तो रेडमी के नोट 9 प्रो में आपको यहां पर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिलेगा जो कि सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ में आएगा, और उसके साथ साथ यहां पर आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में जो डिस्प्ले है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ साथ जो रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स होगा इसमें आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिल सकता है। अब ये र्यूमर है, 100% कंफर्म नहीं है रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स के लिए। अब फिलहाल देखते हैं जो स्मार्टफोन है कल यहां पर इंडिया में लॉन्च होता है या फिर नहीं होता है, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जितने भी अपडेट्स यहां पर आई हैं उन अपडेट्स के बेसिस पे मैं सभी चीज आपको यहां पर इन्फॉर्म कर दे रहा हूं। इसके साथ साथ अगर बात करें रेडमी के नोट 9 प्रो के प्रोसेसर के बारे में, तो अभी तक जो भी कंफर्मेशन न्यूज निकल कर के आई है उससे एक चीज पता चला है कि यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। इसके साथ साथ 4920mAh की बड़ी बैटरी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी 30W के फास्ट चार्जर के साथ में। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको तीनों स्मार्टफोन में इस बार यहां पर देखने के लिए मिल सकता है पीछे की साइड। यहां पर अगर बात करूं बैक की, तो बैक के पैनल पे कोई भी इस बार यहां पर कैमरे के अलावा कोई भी और चीज यहां पर फिजिकल चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, जैसे कि यहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह होता है। और इसके साथ दोस्तों, यहां पर रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स में आपको डायमेंसिटी 800 सीरीज वाला प्रोसेसर जो है वो इंडिया में भी देखने के लिए मिल सकता है। ये चीज 100% कंफर्म नहीं है, लीक्स के बेसिस पे आई है, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी यहां पर इन्फॉर्म किया था। अब इसके साथ साथ यहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने के लिए मिल सकता है। अब एक्चुअल में देखते हैं क्या कुछ चीजें यहां पर निकल कर आती हैं। वैसे इनमें से एक ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसकी जो प्राइस होगी वो आपको 9999 पे यहां पर इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी। ये चीज मनु कुमार जैन ने यहां पर ट्विटर के ऊपर कंफर्म कर दिया था। अब देखते हैं कौन से स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो क्या यहां पर निकल कर आती है। वैसे जैसे यहां पर कल स्मार्टफोन लॉन्च होगा, मैं सभी कुछ डिटेल वीडियो आपको तीनों स्मार्टफोन के बारे में यहां पर बना करके दे दूंगा। अब दोस्तों, आप यहां पर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रेडमी के नोट 9 सीरीज को लेकर के, और आप इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन के लिए ज्यादा यहां पर एक्साइटेड हैं। अब दोस्तों, ये था इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक मैसेज कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।